and welcome to the class of information technology. In this video, we are going to see about the multiple operations in OpenOffice Calc. So let us start our video. हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में जो कि इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का सेशन वन का वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं मल्टीपल ऑपरेशंस इन रो और कॉलम। तो इस ऑप्शंस को सीखने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे एक एग्जांपल कंसीडर किया हुआ है। ये एक किसी कंपनी का एग्जांपल है। सपोज़ हम लोगों ने ऐसा एक इमेजिनरी टेबल बनाया हुआ है और इस टेबल से हम लोग समझेंगे मल्टीपल ऑपरेशंस को। तो यहाँ पे इस टेबल में हम लोग देख पा रहे हैं कि कोई एक कंपनी है जिसने कीबोर्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाया हुआ है और उस यूनिट में उस कीबोर्ड के मैन्युफैक्चरिंग में उसको उसका जो डाटा है, यानी कि वो जो कीबोर्ड बना रही है वो 300 रुपीज़ में ईच कीबोर्ड को सेल कर रही है, जिसको बनाने के लिए उसको 110 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस यानी डायरेक्ट कॉस्ट लगता है। 300 रुपीज़ में वो सेल कर रही है, 110 रुपीज़ उसका डायरेक्ट कॉस्ट बैठता है उस कीबोर्ड को तैयार करने के लिए। बट इस कंपनी को डालने के लिए, यानी इस कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, इनका इसका इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्ट करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए उस कंपनी को जो फिक्स्ड कॉस्ट लगा है, जो उसने इनिशियल अमाउंट बियर किया है, जो फिक्स्ड कॉस्ट उसने लगाया है कंपनी को स्टार्ट करने के लिए और कीबोर्ड मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने के लिए, वो उस कंपनी को 1 लाख रुपीज़ लगे हैं ताकि कंपनी स्टार्ट हो करके कीबोर्ड मैन्युफैक्चरिंग हो सके। यानी कि ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, कंपनी को एक बार 1 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट करना पड़ा है ताकि कंपनी में कीबोर्ड मैन्युफैक्चरिंग हो सके। अब इसके ऊपर जितना भी मैन्युफैक्चरिंग होगा वो दोबारा से फिक्स्ड कॉस्ट लगने वाला नहीं है, वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। अब क्या है कि कंपनी को 110 रुपीज़ का डायरेक्ट कॉस्ट आना है और उसके ऊपर वो कीबोर्ड तैयार करके 300 रुपीज़ में सेल करेगी। यहाँ पे हमने जो एग्जांपल लिया हुआ है, सेलिंग प्राइस हमने लिया है 300 कीबोर्ड का जो सेलिंग प्राइस है, डायरेक्ट कॉस्ट कंपनी को लग रहा है 110 रुपीज़ फॉर ईच कीबोर्ड और उसका फिक्स्ड कॉस्ट यानी कंपनी सेटअप करने के लिए उसको 1 लाख रुपीज़ लगे हैं। क्वांटिटी यहाँ पे 1000 कीबोर्ड अगर वो कंपनी तैयार कर लेती है, सपोज वो कंपनी सेटअप करने के बाद 1000 कीबोर्ड तैयार करती है तो उस कंपनी का प्रॉफिट क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोगों को प्रॉफिट निकालना है कंपनी का, तो हम लोग सिंपल सा एक फॉर्मूला लगा करके उस प्रॉफिट को सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। ये फॉर्मूला हम लोग इस सेल में इनपुट करेंगे, प्रॉफिट वाले सेल में, और यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो हम लोग सबसे पहले उसको जो हमारा क्वांटिटी है उस क्वांटिटी को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ। यहाँ पे क्वांटिटी है हमारा B8 के अंदर। इस सेल को अगर आप देखेंगे तो ये B8 है, तो B8 सेल है। इसके बाद इस B8 को हम लोग मल्टीप्लाई करने वाले हैं, किसके साथ मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो जो हमारा वैल्यू आएगा यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, उसको हम लोग प्रॉफिट के साथ मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो हमारा सेलिंग प्राइस कहाँ है, ये है हमारे B5 के अंदर। B5 में से हम लोग माइनस कर देने वाले हैं किसको, तो जो डायरेक्ट कॉस्ट है उस डायरेक्ट कॉस्ट को माइनस करने वाले हैं। और इसके बाद जो हमारा नेट प्रॉफिट आना था, इस नेट प्रॉफिट से हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट वैल्यू यानी कि वो हमारी लागत है, वो हमारा इन्वेस्टमेंट है, अगर हम उसको फिर डिडक्ट कर देते हैं तभी हमको एक्चुअल प्रॉफिट का पता चलेगा, क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट को माइनस करने के बाद ही एक्चुअल प्रॉफिट हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अगेन माइनस कर रहे हैं किसको, हमारे इन्वेस्टमेंट को यानी फिक्स्ड कॉस्ट को। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, यानी कि हमने यहाँ पे क्या किया, क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसको, यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस जो हमारा आ रहा है उसमें हम लोग क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बट यहाँ जो वैल्यू है उस वैल्यू को हम लोग जो डायरेक्ट फिक्स्ड कॉस्ट वैल्यू है उसको उसमें से डिडक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे एंटर प्रेस करने के बाद हम देखेंगे कि हमारा यहाँ प्रॉफिट कितने का आ रहा है, तो हमारा यहाँ इस टेबल में प्रॉफिट है 90,000 का। यानी कंपनी अगर 110 रुपये उसको डायरेक्ट कॉस्ट आता है कीबोर्ड तैयार करने का,
और वो 300 रुपये का कीबोर्ड सेल करती है मार्केट में, और उसमें से अगर वो फिक्स्ड कॉस्ट माइनस भी कर देती है तो उसको 90,000 रुपीज़ का फ़ायदा हो रहा है। अब हम लोग देखेंगे कि इस 1000 पीस बनाने के बाद उसको पर पीस कितने का फ़ायदा हो रहा है। तो यहाँ पर पीस हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे कि हम लोग जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को अगर क्वांटिटी से हम लोग डिवाइड कर दें तो हमारा पर यूनिट यानी कि एक पीस कीबोर्ड में अगर 1000 पीस बनाते हैं तो वन पीस क्वांटिटी में कितने का फ़ायदा हो रहा है कंपनी को। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम लोगों का जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे हम लोग क्वांटिटी के साथ में। यहाँ पे प्रॉफिट को हम लोग डिवाइड कर देंगे क्वांटिटी के साथ में, तो यहाँ पे देखेंगे एक कीबोर्ड के ऊपर कंपनी को 90 रुपीज़ का फ़ायदा आ रहा है। 90 रुपीज़ का फ़ायदा अगर आप यहाँ पे डिडक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 190 आ रहा है। अगर आप सेलिंग प्राइस और डायरेक्ट कॉस्ट को अगर आप माइनस करेंगे तो आप देखेंगे, बट उसका जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसको माइनस करने के बाद पर यूनिट यानी पर कीबोर्ड कंपनी को 90 रुपये का फ़ायदा आ रहा है। अब यही चीज़ अगर हम लोग देखें, सपोज़ मान लीजिए कि यहाँ पे हमको 1000 कीबोर्ड पे तो पता चल गया कि अगर वो 1000 कीबोर्ड बनाती है तो उसको कितने का फ़ायदा है, बट अगर कंपनी 100 कीबोर्ड बनाती है, 200 कीबोर्ड बनाती है, 300 कीबोर्ड बनाती है, तो उसमें उसको प्रॉफिट हो रहा है या नुकसान हो रहा है ये हम लोग अगर देखना चाहते हैं सपोज़, तो यहाँ पर हम लोग इनपुट कर लेंगे क्वांटिटी उसका। तो यहाँ पे हम लोग इनपुट करते हैं सपोज 100 कीबोर्ड, 200 कीबोर्ड, 300 कीबोर्ड, 400 कीबोर्ड, 500, 600, 700, 800 एंड 900, 1000 तो हमारा कैलकुलेटेड है ही। हम लोग इस तरह से वेरियस हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं डाटा, हम 50-50 के रेशियो पे भी ले सकते हैं, 10-10 के रेशियो पे ले सकते हैं, बट यदि हम देखते हैं कि अगर कंपनी 100 कीबोर्ड तैयार करती है, यहाँ पे 1000 तैयार करे तो उसको 90,000 का फ़ायदा है, बट कंपनी अगर 100 कीबोर्ड तैयार करती है तो क्या उसको बेनिफिट होने वाला है, और अगर उसको बेनिफिट होने वाला है तो उसको कितने का बेनिफिट होने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे कि कैसे उसको बेनिफिट हो सकता है। तो यहाँ हम लोग देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ मल्टीपल ऑपरेशंस लगाएंगे। यहाँ पे मल्टीपल ऑपरेशंस लगाने के बाद मतलब यहाँ पे देखिए ये जो सेल है इस सेल को यहाँ से लेकर के मतलब हमारा जो स्टार्टिंग रेंज है उस स्टार्टिंग रेंज से लेकर के और यहाँ पे जो एंडिंग, हम लोगों को एक कॉलम ज़्यादा सेलेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा रिजल्ट आएगा कैलकुलेशन वाला, जो कैलकुलेटेड रिजल्ट है वो यहाँ पे शो करेगा। तो हमें कॉलम ई के साथ साथ कॉलम एफ को भी सेलेक्ट करके रखना है। अब वापस से मुझे जाना है यहाँ पे डाटा के अंदर मल्टीपल ऑपरेशंस पे। मल्टीपल ऑपरेशंस पे जाने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर के आ रहा है। इस डायलॉग बॉक्स में हम लोगों को एंट्री क्या क्या करनी है, सबसे पहले हम लोगों को उस सेल की एंट्री करनी है जहाँ पे हमने फार्मूला लगाया हुआ है, यानी कि अगर हम इस टेबल में देखें तो हमारा जो फार्मूला है वो यहाँ पे B9 के ऊपर लगा हुआ है। आप आइदर यहाँ पे ये सिंक बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इस सेल को क्लिक कर लेंगे, या फिर आप विदाउट श्रिंक किए हुए भी आप इस सेल पे क्लिक करेंगे तो ये सेल आपका यहाँ पे शो होगा, यानी कि आपका जो फार्मूला वाला सेल है उसकी एंट्री हो चुकी है। आप मैन्युअली भी इसको टाइप कर सकते हैं, यदि आप सेल नंबर है तो आप मैन्युअली भी इसको टाइप कर सकते हैं। तो फार्मूला का सेल हमें टाइप करना है। दूसरा है कि मुझे यहाँ पे रिजल्ट जो है वो कॉलम वाइज रिजल्ट चाहिए, तो कॉलम वाइज रिजल्ट के लिए हमारा कॉमन इनपुट सेल, यहाँ पे कॉलम वाइज और रो वाइज दो तरह के इनपुट लेने हैं। तो जो कॉलम वाइज अगर हमें रिजल्ट चाहिए यहाँ पे कॉलम इनपुट सेल में जाएंगे, और कॉलम इनपुट सेल में जाने के बाद हमें वेरिएंट कहाँ देखने हैं, हमें वेरिएंट देखने हैं क्वांटिटी के ऊपर, यानी कि हमारा जो डाटा वेरी होने वाला है वो क्वांटिटी का जो डाटा है वो वेरी करने वाला है, और उसके क्वांटिटी से हम लोगों को कैलकुलेशन करने हैं। तो यहाँ पे कॉलम इनपुट सेल में जा करके हम लोगों को यहाँ पे क्वांटिटी वाला सेल चूज करना है। चूज करने के बाद जैसे ही हम लोग ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अगर वो कंपनी सपोज 100 कीबोर्ड बनाती है तो 81,000 का उसको नुकसान होता है। वो कंपनी अगर 100
कीबोर्ड बनाती है तो 81,000 का नुकसान होता है कंपनी को, लॉस में जाती है, 200 में भी वो लॉस में है, 300 यानी एटलीस्ट अगर वो 600 कीबोर्ड बनाती है, अगर कंपनी एटलीस्ट 600 कीबोर्ड बनाती है तो उसको 14,000 रुपीज का प्रॉफिट होता है। अगर वो 500 तक बना रही है तो उसको लॉस है, 500 के बाद अगर 550 पे कैलकुलेट करके देखेंगे तो हो सकता है कि जीरो पे आए या जो वैल्यू आए। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे 100-100 का इंटरवल रखा है हम लोगों ने, इसलिए इंटरवल काफ़ी बड़ा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे 500 क्वांटिटी के ऊपर जो उसका रिजल्ट आ रहा है वो लॉस में है, और 100 और कीबोर्ड अगर बना ले यानी कि 100 कीबोर्ड अगर और मैन्युफैक्चर करती है, 500 की बजाय 600 मैन्युफैक्चर करती है तो उसको 14,000 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है। तो पर 100 हम लोगों ने देखा कि कंपनी को किस तरह से कंपनी का डाटा वेरी कर रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 100 कीबोर्ड के ऊपर काफ़ी नुकसान है, 81,000 का नुकसान है, वहीं पे 900 अगर हम लोग देखें तो 71,000 रुपीज़ का फ़ायदा है। और दूसरी बात हम लोगों ने यहाँ पे देखा हुआ है कि अगर वो 1,000 कीबोर्ड बनाती है तो उसको वहाँ पे 90,000 रुपीज़ का प्रॉफिट है। अब यहाँ पे एक चीज़ हम और देखना चाहते हैं, अगर 100 कीबोर्ड वो कंपनी बनाती है तो पर कीबोर्ड उसको कितने का नुकसान होता है। अगर वो 200 बनाती है तो उसको पर कीबोर्ड 200 क्वांटिटी पर कीबोर्ड उसको कितने का नुकसान होता है, और अगर वो 600 में प्रॉफिट में जाती है तो पर कीबोर्ड उसको कितने का प्रॉफिट होता है। तो आइए अब हम लोग वो कैलकुलेशन कर लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम लोग ये जो डाटा है इस डाटा को हम लोग डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पर डिलीट करते हैं। डिलीट करने के बाद अब मुझे क्या करना है कि हम लोगों ने यहाँ पे एक यूनिट का कैलकुलेशन किया हुआ है। यदि हम लोग 1,000 कीबोर्ड तैयार करते हैं तो यहाँ पे 90,000 का प्रॉफिट होता है, बट उसमें एक कीबोर्ड के ऊपर 90 रुपीज़ का प्रॉफिट है। उसी तरह से हम लोगों को पर यूनिट अगर निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे। यहाँ पे हम लोगों के फॉर्मूला में थोड़ा सा अंतर होगा, यह हम लोग देखते हैं। वापस से इसको सेलेक्ट करना है, इस बार हम लोगों को एक सेल ज़्यादा सेलेक्ट करना है, यानी कि एक कॉलम ज़्यादा सेलेक्ट करने हैं जिसमें हम लोगों को पर यूनिट का डाटा चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों को पूरी क्वांटिटी पे आएगा, 100 कीबोर्ड के ऊपर आएगा, और वहाँ पर यूनिट कितने का लॉस या प्रॉफिट है वो शो होगा। तो हम लोगों को यहाँ पे फॉर्मूला एंटर करना है, डाटा में जाना है और यहाँ पे मल्टीपल ऑपरेशंस चूज करना है। इस बार जो हम लोग मल्टीपल ऑपरेशंस के अंदर फार्मूला सेल यूज़ करने वाले हैं वो फार्मूला सेल हम लोगों को सिंगल क्वांटिटी का भी लेना है। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे इस सेल के ऊपर और यहाँ से इस सेल तक ड्रैग करेंगे, यानी कि हमारा B9 टू C9 ये हमारा फार्मूला सेल हो गया, B9 टू C9। अब कॉलम इनपुट सेल में क्लिक करना है, यहाँ पे रो इनपुट हमारा डाटा अभी नहीं ले रहे हैं, आगे के एग्जांपल्स में हम लोग रो इनपुट भी देखेंगे, रो और कॉलम दोनों इनपुट करा करके देखेंगे कि कैसे हमारा कैलकुलेशंस होता है। अब यहाँ पे कॉलम इनपुट सेल में हम लोगों को क्लिक करना है और अगेन हमारा जो क्वांटिटी है उसको हम लोगों को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही हम लोग ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो कंपनी है वो अगर 81,000 पे उसको लॉस है तो पर यूनिट 810 रुपीज़ का लॉस है, एक कीबोर्ड के ऊपर 810 रुपीज़ का लॉस है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे 500 कीबोर्ड मैन्युफैक्चर करती है तो 5,000 का है और एक यूनिट पे उसको 10 रुपीज़ का लॉस है। अगर वो 600 कीबोर्ड मैन्युफैक्चर करती है 14,000 रुपीज़ का फ़ायदा होता है और पर कीबोर्ड उसको 23.333 रुपीज़ का फ़ायदा होता है। उसी तरह अगर 800 है तो 65 रुपीज़ का फ़ायदा है और अगर वो 900 करती है तो उसको 78.889 रुपीज़ का फ़ायदा है। यहाँ पे 1,000 करती है तो 90 रुपीज़ का फ़ायदा है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो सिंगल यूनिट है उसके ऊपर कंपनी का कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, यानी कि हमारा जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी अगर वेरी कर रहा है तो सिंगल यूनिट का प्रॉफिट भी हम लोग यहाँ पे एक साथ निकाल पा रहे हैं। तो हम लोगों ने इस फॉर्मूला में देखा मल्टीपल ऑपरेशंस में। अब अगर सिंपल सा होता, ये हमारा सिंपल कैलकुलेशन था, यहाँ पे हमारा जो रिजल्ट आ रहा है इस रिजल्ट में कोई वेरिएंस नहीं है, यहाँ पे हम लोग वैल्यू चेंज करेंगे
तो ये हमारा प्रॉफिट चेंज होगा। बट हम बार बार इसको वैल्यू चेंज कर करके देखना पड़ता, हम एक ही वैल्यू को बार बार चेंज करते और यहाँ पे रिजल्ट रिफ्लेक्ट होता, और जैसे हम अगली बार दूसरी वैल्यू चेंज करते फिर यहाँ पे रिजल्ट चेंज हो जाता। बट यहाँ पे हमको क्या है, यहाँ पे हमको वेरियस रिजल्ट्स यहाँ पे मिल गए हैं और ये रिजल्ट्स गायब होने वाले नहीं हैं। जैसा कि हम लोग अगर इसका वैल्यू चेंज भी हो रहा है तो हमारा जो उसका रिजल्ट है वो यहाँ पे मिल रहा है। अब हम लोग देखेंगे रो एंड कॉलम वाइज कैलकुलेशंस, यानी कि दोनों तरह से कैलकुलेशंस हम लोग देखने वाले हैं। हम लोग रो और कॉलम के हिसाब से कैलकुलेशंस देखने वाले हैं। तो हम लोग सबसे पहले इसको डिलीट कर लेते हैं। डिलीट करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बनाते हैं क्वांटिटी, और ये जो क्वांटिटी का टेबल हम लोगों ने लिया हुआ था 100 के रेशियो पे, तो यहाँ वापस से ले लेते हैं 100, 200, 300 या 50-50 के रेशियो पे भी ले सकते हैं 400, 500, 600। यहाँ पे देखिए अब ये हो गया हमारा क्वांटिटी। अब यहां हम लोगों को क्या देखने हैं कि यदि हमारा सेलिंग प्राइस अगर हम लोग बदल करके देखते हैं, 100 पीस क्वांटिटी अगर हम लोग बना रहे हैं और हमारी कंपनी लॉस में जा रही है, तो अगर उसकी हम लोग वैल्यू बढ़ा दे थोड़ी, सेलिंग प्राइस अगर हम लोग इंक्रीज कर दे, तो हम लोगों को बेनिफिट मिलता है क्या? हम लोगों ने यहां पर देखा कि जो वैल्यू है उस वैल्यू में हम लोगों ने देखा कि 300 रुपीज़ के ऊपर उसकी कॉस्टिंग क्या आ रही है और लॉस क्या आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले ले लेते हैं इसकी 300 सेलिंग प्राइस है, उसके बाद हम लोग ले लेते हैं इसकी वैल्यू थोड़ी, इसकी प्राइस थोड़ी बढ़ा देते हैं सेलिंग प्राइस, तो देखते हैं हम लोगों का प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। इसकी सेलिंग प्राइस और एक बार बढ़ाते हैं और यहाँ पे 450, 300 में अगर हम लोग सेल कर रहे हैं और 100 कीबोर्ड तैयार कर रहे हैं, तो हमारा कितना प्रॉफिट या नुकसान हो रहा है, और यदि हम उसकी सेलिंग प्राइस थोड़ी बढ़ा दे तो हम लोग उसको कितना कवर कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे इस टेबल में हम लोगों को वो कैलकुलेट करके देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों को सेलेक्ट कर लेना है, ये जो हमारा रो एंड कॉलम है इसको सेलेक्ट कर लेना है, क्वांटिटी से लेकर के 450 तक का जो रो एंड कॉलम है उसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद हम लोग वापस से जाएंगे डाटा में और यहाँ मल्टीपल ऑपरेशंस चूज करेंगे। मल्टीपल ऑपरेशंस चूज करने के बाद फिर उसी तरह से हम लोगों को फॉर्मूला वाले सेल में जाना है और यहाँ से इसको ड्रैग कर देना है, यानी कि हमारा जो फिर से है वो B9 से C9 तक का सेल आएगा। अब यहाँ पे कॉलम का जो सेल है ये तो हमारा वापस से वही क्वांटिटी होने वाला है, ये कॉलम इनपुट सेल जो है वो कॉलम वाइज डाटा हमारा जो है वो क्वांटिटी है, तो हम लोग यहाँ पे कॉलम इनपुट सेल में क्वांटिटी वाले ही सेल को सेलेक्ट रखना है। बट यहाँ पे जो रो इनपुट है वो रो इनपुट में हम लोगों को सेलिंग प्राइस लेना है, ताकि हमारा जो सेलिंग प्राइस है उसको वैरी करके हम लोग देख सकें। तो यहाँ पे हम लोगों को रो वाले में लेना है और इसके बाद हम लोगों को ओके करना है। ओके करने के बाद हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं ये जो सेल है इसकी वैल्यू थोड़ी, अब यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि यदि वो कंपनी 300 रुपीज़ में सेल करती है तो 300 रुपीज़ में 100 बनाने के बाद, 100 क्वांटिटी तैयार करने के बाद उसको 81,000 रुपीज़ का नुकसान हो रहा है। वहीं अगर वो सेलिंग प्राइस बढ़ा देती है 350 करती है तो उसका लॉस थोड़ा कम हो जाता है, उसका लॉस हो जाता है 76,000 का। अगर वो 400 करती है तो 71,000 का, और अगर 450 करती है तो 66,000 का। उसी तरह अगर हम लोग देखेंगे यहाँ से हमारा प्रॉफिट होना स्टार्ट हुआ, अगर वो 300 पीस तैयार करती है कीबोर्ड तो उसको 300 रुपीज़ में अगर सेल करती है 300 क्वांटिटी में तो उसको 43,000 का, 350 में सेल करती है तो 28,000 का, 400 में सेल करती है तो 13,000 का, और यदि वो 450 में सेल करती है तो उसको 2,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे
अगर वो 300 पीस कीबोर्ड तैयार करके और 450 में सेल करती है तो उसको 2000 रुपीस का फ़ायदा हो रहा है। और यहाँ से हमारा जो प्रॉफिट है, ये आप देखेंगे कि क्वांटिटी बढ़ने के बाद अगर 400 तक की क्वांटिटी है तो यहाँ पे कंपनी लॉस में है, और अगर 450 कर देती है तो उस कंपनी को प्रॉफिट होना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे आप देखेंगे अगर 400 यूनिट तैयार करती है तो उसको 400 रुपीस में अगर वो सेल करती है 400 यूनिट तैयार करके तो 16,000 का फ़ायदा होता है, और अगर वो 450 में बेचती है उसी कीबोर्ड को तो 36,000 का फ़ायदा होता है। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि वेरियस सेलिंग प्राइस पे हम लोग कीबोर्ड को कैलकुलेट करके देखते हैं कि यदि हमारा जो कंपनी है, हमारी जो कंपनी है वो लॉस में जाती है तो फिर हम लोग अगर उसकी सेलिंग प्राइस बढ़ा दे तो क्या हमारा जो लॉस है वो मेकअप हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे हमारा सेलिंग प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे कंपनी की लॉस घट रही है, या कहें तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो इस तरह से हम लोगों का कैलकुलेशन हो सकता है। यहाँ पे हम लोगों ने देखा क्या कि मल्टीपल ऑपरेशंस, हमारा एक फॉर्मूला है, ये सिंगल फॉर्मूला है, इस सिंगल फॉर्मूला से हमारे इतने सारे कैलकुलेशंस हो रहे हैं। आप इसमें फॉर्मूला में जाएंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फॉर्मूला बार पे यहाँ पे मल्टीपल ऑपरेशंस का फॉर्मूला लगा है। आप किसी भी सेल में क्लिक करिए, देखिए यहाँ पे मल्टीपल ऑपरेशंस का फॉर्मूला लगा हुआ है, तो यहाँ पे आप कैलकुलेशंस देख पा रहे हैं। तो यही था आज के इस वीडियो में, आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। यदि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई परेशानी लगती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपके कंफ्यूजन या आपके प्रॉब्लम को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।